दोस्तों, स्विचेस के अंदर पानी जाने की वजह से स्विचेस जो हैं प्रॉपर्ली वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा पार्किंग का स्विच जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी स्विचेस को क्लीन करने वाले हैं और जानेंगे कि किस प्रकार से हम स्विच को क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पैनल रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए इसके नीचे एक स्क्रू लगा रहता है, तो उसको आपको रिमूव करना होगा। सिंपली एक फ़िलिप्स टू स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कीजिए और स्क्रू को रिमूव कर दीजिए। देन इस पैनल को आप पुल आउट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्क्रू बाहर आ गया, पैनल को बाहर करेंगे तो इस प्रकार से पैनल बाहर आ जाएगा। अब सारे जो आपके कपलर हैं उनको रिमूव कर दीजिए। तो सारे कपलर रिमूव कर लिए हैं तो इस प्रकार से हमारे स्विच पैनल बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरी साइड में स्विच पैनल लगा है उसके नीचे भी एक स्क्रू लगा है, उसको आपको रिमूव करना है स्विच स्क्रू को। देन आपका जो ये पैनल है ये भी बाहर जाएगा। सिंपली पुल आउट करना है और आपका जो पैनल है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्विच रिमूव हो गया है, देन इसको पुल आउट करना है। तो इस प्रकार से इसको पुल आउट करके देन जितने भी आपके कपलर हैं उन सभी कपलर को आपको रिमूव कर लेना है। देन आपका जो पैनल है वो आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस साइड का पैनल भी आउट हो गया है। नाउ दोनों पैनल को मैंने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर जो है स्क्रूज़ जो लगे हैं इन सारे स्क्रूज़ को रिमूव करना है, तो जल्दी से इन्हें रिमूव कर लेते हैं। तो सारे स्क्रू यहाँ पर रिमूव करने के बाद हमारे स्विचेस बाहर आ चुके हैं। तो हमको वन बाय वन क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्किंग लैंप का स्विच हम क्लीन करेंगे जिसमें कि मेन प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले एक कवर को आपको रिमूव करना है, तो सिंपली हैंड की मदद से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कवर बाहर आ जाएगा और इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी जो है चिपकी हुई है, इसी वजह से कनेक्शन जो है प्रॉपरली नहीं बन पा रहा था। इसके बाद जो स्विच है इसको रिमूव करना है, स्विच का मेन लीवर, तो इसको सिंपली पुल आउट करना है। इसके साथ एक बॉल रहती है और स्प्रिंग रहता है जिसकी मदद से मोशन कर पाता है अंदर। तो इस प्रकार के इसके अंदर भी कनेक्टर हैं, तो इस पर भी एक पैनल यहाँ पर लगा हुआ है छोटा सा, तो इसको भी रिमूव करना है आपको। तो इस प्रकार से इसको रिमूव कर लेना है। देन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डर्ट और कोरोडेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर WD-40 का यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस पर स्प्रे कर लेंगे। देन एक क्लीन ब्रश लेंगे, टूथ ब्रश, और इन सभी को अच्छे प्रकार से रब कर देंगे। और जितना भी इसमें रस्ट है और जितना भी डर्ट वगैरह है इसमें जो कि वाटर जमने की वजह से हुआ है, वाटर और धूल, तो उस सारी को हम रिमूव कर लेंगे और प्रॉपरली इनको क्लीन करेंगे। तो इनको अच्छे प्रकार से आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप ग्रीस मत अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ग्रीस ज़्यादा डर्ट को जो है अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए आप पेट्रोलियम जेली का यूज़ कर सकते हैं, वो भी माइन्यूट सा। जस्ट इसमें थोड़ा सा वाटर की, जैसे हम वाटर गिरे तो थोड़ा सा प्रिवेंटेड रहे, वैसे तो ये ज़्यादा टाइम तक प्रिवेंटेड रहने वाला है नहीं, फिर भी थोड़ा सा हम पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे क्योंकि इससे स्विच गियर्स का जो मोशन है स्मूथ रहेगा। देन जिस प्रकार से हमने रिमूव किया था उनको वापस से जो है असेंबल कर लेंगे। तो ये बॉल है, सबसे पहले बॉल को स्प्रिंग के ऊपर रख लेना है। देन जो स्विच का लीवर है उसको जो है, जो स्विच की बॉडी है उसका अगेंस्ट कंप्रेस करना है और जो है स्विच को प्रेस कर लेना है। तो इस प्रकार से ये बॉल अपनी पोजीशन पे जाके लग जाएगी। देन जो आपने कवर रिमूव किया था यहाँ पर पहला कवर, उसको वापस से लगा लेना है। देन जो इसके ऊपर वाला कवर है उसको भी हम वापस से लगा लेंगे। तो ये ऊपर वाला कवर भी है, इसको वापस भी लगा लेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारा जो स्विच है वो प्रॉपरली रेडी हो चुका है यहाँ पर। ना हम अपने स्टार्टर जो मोटर है उसकी स्विच जो होती है उसको क्लीन करेंगे। स्टार्टर मोटर और हॉर्न का स्विच ऑलमोस्ट सेम होता है, तो मैं एक स्विच को क्लीन करके दिखाता हूँ आपको, तो दूसरा स्विच आप खुद से क्लीन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का स्टार्टर मोटर स्विच है, इस पर बाहर जाएगा। इसमें स्प्रिंग लगी रहती है और एक कैप लगी रहती है। तो स्टार्टर मोटर के स्विच में ज़्यादा जो है डर्ट वगैरह नहीं है क्योंकि ये हमेशा
कभी कभार ही यूज़ होने वाला चीज़ है, हमेशा तो यूज़ में रहता नहीं है, बल्कि जो लाइट वगैरह है वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस कारण से उसमें करंट फ्लो बना रहता है, तो उसमें ज़्यादा कोरोजन रहता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा कम कोरोजन है कंपेरेटिवली, तो जल्दी से हम इसको अच्छे प्रकार से क्लीन कर लेंगे, देन जो है इनको वापस से असेंबल कर लेंगे। वंस एवरी सर्विस में आपको एक बार जो है अपने स्विचेज को ज़रूर से क्लीन करना चाहिए, इनसे जो स्विचेज की लाइफ वो इंक्रीज हो जाती है और आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को फेस भी नहीं करवाना पड़ता है। तो स्प्रिंग को हम वापस लगा लेंगे, इसके बाद जो कैप है उसको भी हम वापस से लगा लेंगे, देन जैसे हमने जो है स्विच को रिमूव किया था उसको वापस से लगा लेंगे। देन ये जो स्विच का कवर है उसको भी हम वापस से लगा लेंगे यहाँ पर। और हमारा स्विच जो है वर्क करने के लिए रेडी है यहाँ पर। सिमिलरली हम हॉर्न के स्विच को भी क्लीन कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको शो नहीं कर रहा हूँ ना। हम जो है इंडिकेटर के स्विच को क्लीन करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है और स्विचेज के कंपेरिजन में। सबसे पहले आपको एक कवर रिमूव करना है, देन जो यहाँ पर स्विच का लीवर लगा रहता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग और एक बॉल रहती है जो कि मोशन प्रोवाइड कराती है अंदर, तो इनको सेपरेट कर लेना है। देन यहाँ पर एक कॉलर लगी रहती है, इसको रिमूव करना है ना। यहाँ पर एक कवर लगा रहता है, मेन होल्डर कह सकते हैं, जो कि होल्ड करके रखता है नीचे वाले कनेक्टर को, तो सबसे पहले उसको रिमूव करना है आपको। तो सिंपली इसको पुल आउट करना है और ये जो बाहर आ जाएगा, देन जो मेन यहाँ पर कनेक्शन बनाता है नीचे उसको आपको रिमूव करना है। तो इसके लिए आप इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी बॉल रहती है छोटी सी और स्प्रिंग के साथ अटैच्ड रहता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डर्ट वगैरह है, ये हमारी बॉल है, इस प्रकार की छोटी सी बॉल रहती है, इसको आपको खोना नहीं है नहीं तो स्विच बेकार हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा कोरोजन है, तो इसको हम ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे, WD-40 स्प्रे करके अच्छे प्रकार से उसको क्लीन कर लेना है। देन जो है इसमें पेट्रोलियम जेली अप्लाई करेंगे और ये वर्क करने के लिए रेडी रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट अच्छी प्रकार से क्लीन हो चुका है, और मैंने पेट्रोलियम जेली अप्लाई करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा। ना सबसे पहले हमें बॉल को रखेंगे, इसको वापस लगाने की टेक्निक यहाँ पर आप सीख सकते हैं। देन जो है इस नीचे वाले कनेक्टर को बॉल्स के अगेंस्ट प्रेस करेंगे, तो इससे क्या है प्रॉपरली अपने स्पेस पे जाके बैठ जाएगा। देन जो आपने यहाँ पर होल्डर रिमूव किया था नीचे वाले कनेक्टर के लिए, तो उसको वापस से लगा लेना है, इसको प्रेस करना है और अपनी जगह पे बैठ जाएगा। देन आपने जो स्पेसर निकाला था या बोस निकाला था उसको वापस से लगा लेना है। देन जो बॉल है उसको वापस से रखना है और जो यहाँ पर स्विच का लीवर है उसको वापस से बॉल के अगेंस्ट कंप्रेस करना है और ये अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। देन जो आपने कवर रिमूव किया था उसको वापस से लगा लेना है और आपका इंडिकेटर का स्विच भी वर्क करने के लिए रेडी है यहाँ पर। नाउ हमारे पास लाइट का स्विच है, इसको खोलने के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, वैसे भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैंने सारे स्विचेस को पैनल में वापस से फिट कर लिया है जैसे हमने रिमूव किया था। नाउ जितने भी स्विच पैनल थे हम उसको वापस से लगा लेंगे, दोनों स्विच पैनल को, तो वन बाय वन कनेक्टर लगा लेंगे। तो कनेक्टर का आप कलर कोड यहाँ पर देख सकते हैं, या आप जब रिमूव करें तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि पैनल का कलर कोड क्या था। पैनल लगाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जैसे आपने रिमूव किया था जस्ट उसके अपोजिट। सिमिलरली हम जो दूसरे साइड का पैनल है उसको भी वापस से लगा लेंगे, जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको वापस से लगा लेंगे। यहाँ पर कलर कोड आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टर होंगे क्योंकि यहाँ 3 स्विचेस होते हैं और दूसरी साइड 2 स्विचेस होते हैं, तो सारे कनेक्टर को वापस से लगा लेंगे। और प्रॉपरली लगाना है, मेक श्योर करना है आप प्रॉपरली लगाएं अपने पोजीशन पिन को, नहीं तो ये चलते चलते खुल जाएंगे और आपका स्विच जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा।
जो सारे कनेक्टर यहाँ पर लग चुके हैं। देन जो हम पैनल को उसकी पोजीशन पे वापस से लगा लेंगे, देन इसका स्क्रू भी टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे स्विचेज लग चुके हैं। नाउ इसको हम टेस्ट करते हैं। तो सारे यहाँ पर पार्किंग लाइट प्रॉपरली वर्क करने लगी है, मीटर पर लाइट ग्लो कर रही है प्रॉपरली, पास लाइट भी प्रॉपरली वर्क कर रही है, इंडिकेटर स्विच भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो सारे स्विचेज ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं।